दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तो उसको तो ये मालूम ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और भारत में कितने पावर ग्रिड हैं। तो दोस्तों, पूरा जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पावर ग्रिड क्या होता है। एक पावर ग्रिड एक नेटवर्क होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक पहुँचाता है। एक पावर ग्रिड में बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं या फिर हो सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा इन पावर प्लांट से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन और टावर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं और कंज्यूमर तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं। दोस्तों, अब बात करें भारत में पावर ग्रिड की, तो इंडिया में 1960 के बाद से ही क्षेत्रीय आधार पर ग्रिड मैनेजमेंट की शुरुआत हो गई थी। उस समय सभी राज्यों की छोटी छोटी ग्रिड को कनेक्ट करके भारत की मेन लैंड को कवर करके 5 ग्रिड बनाई गई, जिनका नाम रखा गया नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न ग्रिड। इसके बाद 1990 में सरकार ने नेशनल ग्रिड बनाने की शुरुआत कर दी। इसके लिए शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रिड को हाई वोल्टेज बैक टू बैक लाइन के माध्यम से लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ रेगुलेटेड पावर के लिए कनेक्ट किया गया। बाद में लिंक का उच्च क्षमता वाले सिंक्रोनस लिंक से अपग्रेड कर दिया गया। सबसे पहले अक्टूबर 1991 में नदर्न ईस्टर्न ग्रिड और ईस्टर्न ग्रिड का आपस में इंटरकनेक्शन किया गया। उसके बाद 1991 में इंटरकनेक्ट की गई ग्रिड से वेस्टर्न ग्रिड को मार्च 2003 में इंटरनेट कनेक्ट किया गया। फिर अगस्त 2006 में नदर्न ग्रिड को सिंक्रोनसली एक ही फ्रिक्वेंसी पर इंटरकनेक्ट करके सेंट्रल ग्रिड बना दिया गया, लेकिन अभी भी एक क्षेत्रीय ग्रिड सदर्न ग्रिड बच गया था। इसकी फ्रिक्वेंसी सेंट्रल ग्रिड से मैच नहीं होती थी। साल 2013 तक सदर्न ग्रिड को HVDC के माध्यम से कनेक्ट रखा गया। उसके बाद दिसंबर 31, 2023 को क्षेत्रीय सदर्न ग्रिड को 765 KV रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने के साथ ही सेंट्रल ग्रिड से सिंक्रोनसली जोड़कर नेशनल ग्रिड बना दिया गया। इसके बाद भारत में वन नेशन वन ग्रिड हो गया। 30 जून साल 2020 तक की बात करें तो भारत की नेशनल ग्रिड दुनिया की सबसे बड़े ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड में से एक है। इसकी ओनरशिप और मेंटेनेंस राज्य के ओनरशिप वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसका संचालन राज्य के ओनरशिप वाली पावर ग्रिड ऑपरेशन कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। भारत के ग्रिड 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। इसकी परमिशनल रेंज और फ्रिक्वेंसी 49.5 हर्ट्ज है, जिसे 17 दिसंबर साल 2012 को निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ग्रिड की फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करती है, जिसके तहत राज्यों को कम फ्रिक्वेंसी पर बिजली लेने पर अधिक पेमेंट करने की आवश्यकता होती है।